गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, सबको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, ओके, लेट मी जस्ट चेक वंस। ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर? सब लोग फटाफट से थम्स अप दे दो। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, चलो आ रही है, आवाज आ रही है। जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, आई विल जस्ट शेयर इट ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, डन। चलो सब लोग फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो आज का सेशन मिस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यस एवरीबडी, चलो ओके डन। यस, वन सेकेंड, हाँ ओनली 1 सेकेंड, मैं फटाक से टैग कर दूँ। ओके डन, चलो चलो डन एवरीबडी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके ओके, स्टार्ट करो मैम। मैम स्पीड अप। यस, सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि कल मैं फिर से सुबह लाइव आने वाली हूँ, ठीक है? तो कल सुबह हम 7:30 बजे लाइव मिलेंगे, ओके? और कल हम कौन से एमसीक्यूज करने वाले हैं, टुमारो वी आर गोइंग टू डू 9 से लेकर 15 तक के चैप्टर के मेगा पोल्स, ठीक है? तो आज चैप्टर 1 से लेकर 8 और कल चैप्टर नंबर 9 से लेकर 15 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आपके पास सफिशिएंट टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑल द बेस्ट। हियर आपका पहला क्वेश्चन। अरे मैंने टाइमर नहीं डाला, एक मिनट रुको, एक सेकेंड रुक जाओ, सिर्फ मैं टाइमर लगा दूँ, फिर ऐसे में तुमको मज़ा नहीं आएगा। हाँ डन डन हो गया, 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा रही हूँ मैं। ओके डन। यस चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके सो अभी इसका आंसर तो पता चल ही गया सबको। मोनोकॉट्स के मेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये आपका एंथर है। इस एंथर के अंदर यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल होता है वो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाता है, और इसमें आगे जाके माइटोसिस होता है, और माइटोसिस करके हमको क्या मिलते हैं, 2 मेल गैमेट्स। तो मेल गेमेटोफाइट को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट बेटा, जिसका जिसका कल पेपर है सबको ऑल द बेस्ट। हो जाएगा एकदम अच्छे से, आप फोड़ के आओगे, मुझे यकीन है आप पे।
क्या आएगा? जीन पूल मतलब क्या होता है? चैप्टर नंबर 5, सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ पॉपुलेशन. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. टेगमेंट कहाँ से डेवलप होता है? आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट. किधर से आएगा टेगमेंट? टेस्टा और टेगमेंट. याद है? याद है कि नहीं? कम ऑन. क्या आएगा इसका आंसर? टेगमेंट डेवलप्स फ्रॉम इनर इंटीग्यूमेंट. मैंने कैसे याद रखने के लिए बोला था? टेस्टा की स्पेलिंग में एन नहीं आता है, टेगमेंट की स्पेलिंग में एन आता है और इनर की स्पेलिंग में एन आता है. तो एन और एन ऐसे आप याद रख सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज सीईटी 2019 का क्वेश्चन. कम ऑन, यू कैन डू इट. यस, क्या आएगा इसका आंसर? फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स आर मरीन एंड हेटरोट्रॉफिक. अभी हमने उस दिन ही किया था, चैप्टर नंबर 5 का डिलीटेड टॉपिक, इंट्रोडक्शन टॉपिक का क्वेश्चन था ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पोलन ग्रेन्स इन एंजियोस्पर्म्स आर मोस्टली रिलीज्ड एट विच स्टेज? यस, बताओ. कम ऑन, अपने जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में कौन से स्टेज में रिलीज होते हैं? टू सेल्ड स्टेज. देखो इधर पे, ये पैराग्राफ टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है, तो आपको आंसर दिया हुआ है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम? ये आपका एंथर है, दिस इज एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन. इसके अंदर आता है एंडोथीशियम. तो एंडोथीशियम लेयर का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम? इसके नीचे आता है मिडल लेयर, उसके अंदर आता है स्पोरोजिनस टिश्यू. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम? मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय मिडल लेयर, न्यूट्रिशन इज गिवन बाय टेपटर्म, एंडोथीशियम हेल्प्स इन डेहिसेंस बिकॉज एपिडर्मिस गिव्स प्रोटेक्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. MHTCET 2016 का क्वेश्चन. कम ऑन, यस, क्या आएगा? द मोस्ट कॉमन केमिकल्स फॉर्म्ड इन उरे मिलर एक्सपेरिमेंट वर. सबसे ज्यादा कॉमनली क्या केमिकल्स बने थे उरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में? अमीनो एसिड्स. वेरी गुड. कोई मुझे अमीनो एसिड्स के नाम कमेंट करके बताएगा? मैंने ये लास्ट सेशन में भी बताया था. नाम बताओ, कौन से अमीनो एसिड्स बने थे? तीन अमीनो एसिड्स बने थे. कौन से थे? बाकी के लोग तब तक आंसर दो. द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स वॉट? ये अपना स्पर्म है, इधर पे उसका एक्रोसोम है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है. इधर पे न्यूक्लियस है, इधर पे सेंट्रियोल है, इधर पे माइटोकॉन्ड्रिया है. यस, बताओ एक्रोसोम के अंदर कौन सा केमिकल्स होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो जोनालाइसिन को ब्रेक करके स्पर्म की एंट्री दिलाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. MHTCET 2019 का क्वेश्चन. यस, एस्पार्टिक एसिड और कौन सा था? लाइसिन एंड आर्जिनिन. वेरी गुड. चलो, ह्यूगो डी व्रीस ने कौन से प्लांट को स्टडी करके थियोरी दिया था? क्या आएगा इसका आंसर? ओइनोथेरा लेमार्कियाना. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. MHTCET 2018 का क्वेश्चन. इसमें से डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आज के सेशन में से, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ. 4-5 नहीं तो कम से कम 10 MCQ तो रिपीट होंगे ही होंगे. आई कैन गारंटी दैट, मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ.
और पहला दिन पे मेरा ही पेपर है तो मुझे पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए कितने नहीं हुए। इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर ह्यूगो डी ब्रिस ने नहीं किया था, वो टीएच मॉर्गन ने किया था। सो एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, डार्विन ऑब्जर्व्ड अ वैरायटी ऑफ फिंचेस, कौन से आइलैंड में? गैलापागोस आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसटीसीटी 2004 का क्वेश्चन, हेट्रोगेमेटिक मेल कंडीशन चैप्टर नंबर 3 डज नॉट अकर इन, हेट्रोगेमेटिक मेल कंडीशन किसमें नहीं देखने को मिलता है? क्या आएगा इसका आंसर बताओ? देखो बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में होमोगेमेटिक मेल होते हैं, दिस इज मेल दिस इज फीमेल। ह्यूमंस में क्या होता है, दिस इज मेल। हनी बी में एन नंबर इज मेल, तो इसमें तो आएगा ही नहीं सवाल। ड्रोसोफिला में ऑल्सो हेट्रोगेमेटिक कंडीशन इज मेल का कंडीशन, सो ओनली बर्ड्स में होमोगेमेटिक मेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसटीसीटी 2016 का क्वेश्चन, चलो क्विक। यस, अ पेयर ऑफ एनालोगस ऑर्गन इज डैश, क्या आएगा इसका आंसर? एनालोगस ऑर्गन मतलब क्या होता है, जिसका फंक्शन सेम होता है। सो विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड दोनों का फंक्शन सेम है भले ही स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसटीसीटी 2002, कम ऑन क्विक, चलो मेरे शेरो जल्दी जल्दी, कल एग्जाम है आपका। इनकम्प्लीट डिवीजन को कौन से टाइप का डिवीजन बोलते हैं? कंप्लीट डिवीजन इज होलोब्लास्टिक, इनकम्प्लीट इज मीरोब्लास्टिक। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड क्या प्रमोट करता है? यस, एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स व्हाट? एसिड प्रमोट्स व्हाट? सेल डिवीजन साइटोकाइनिन करेगा, जर्मिनेशन गिबरलिन करेगा, इलोंगेशन साइटोकाइनिन करेगा और ऑक्सिन करेगा। एसिसिक एसिड क्या करता है? सेनेसेंस यानी कि लीफ फॉलिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? बाल गीला, यस कम ऑन, कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से वाटर का प्रॉपर्टी नहीं है? यस इट इज, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, इट इज जस्ट द एक्वेस मीडियम। ओके चलो नेक्स्ट, मोरियुला और ब्लास्टुला के बीच में क्या डिफरेंस है? मोरियुला के पास ऐसा क्या होता है या क्या नहीं होता है जिसके वजह से वो ब्लास्टुला से अलग है? आपको मोरियुला को पूछाया तो पहले मोरियुला का प्रॉपर्टी आप देखोगे। मोरियुला के पास ऐसी क्या चीज नहीं है जो ब्लास्टुला के पास है? यस कम ऑन, क्या आएगा? एब्सेंस ऑफ अ कैविटी, मोरियुला के पास कैविटी नहीं है। ओके ब्लास्टुला के पास कैविटी होती है, तो मोरियुला और ब्लास्टुला के बीच में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ कैविटी वाला आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट, ये देखो मोरियुला के पास कैविटी नहीं होती है, ब्लास्टुला के पास कैविटी होती है। नेक्स्ट, एमएसटीसीटी 2015 का क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन,
आएगा इसका आंसर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल हैविंग जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी? कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे? यस, देखो 2 raised to n, n मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर. तो ये एक हाइब्रिड है, ये एक हाइब्रिड है, तो n इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 2 raised to 2 इज 2 into 2 इज इक्वल्स टू 4. तो आंसर क्या आएगा? 4. नेक्स्ट, सेल वॉल इज डैश बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश. ये रूट हेयर की बात हो रही है. चलो बताओ. ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों की क्या प्रॉपर्टी होती है? एवेंजर 01031. बेटा अगर क्वेश्चन सब सेम है तो आपके आंसर सब राइट आ रहे हैं क्या? इट विल टेल कि आपको कितना याद है. और मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे आज के सेशन में से एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन अगर नहीं रिपीट हुए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी. एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन, आई एम गारंटीइंग इट. ओके, सेल वॉल क्या होता है? इट इज फ्रीली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल. चलो नेक्स्ट, पल्स प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? What is the definition for pulse pressure? Difference between systolic pressure and diastolic pressure, SP minus DP. That is 120 minus 80 is equals to 40. It is your pulse pressure. Next, identify a cross in which 1/4 of the offspring are phenotypically express a recessive trait. 1/4 matlab 25%. Chalo batao, kya aayega iska answer? NCERT सफिशियंट है क्या? आप एक बार महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा. ऐसे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. हाँ चलेगा चलेगा, सिर्फ महारिविजन किया तो भी चलेगा. ये देखो, जब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस करोगे तो आपको क्या ऑफस्प्रिंग मिलेंगे? 25% डोमिनेंट. बराबर देखो, इसका गैमेट कैसे बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर. इसका गैमेट कैसे बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर. तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 25% डोमिनेंट, यहाँ पे मिलेंगे 50% हाइब्रिड और 25% रिसेसिव. तो ये हो गया 25%, ये हो गया 50%. कैसे 50 हुआ? 25 + 25 = 50. और ये हो गया 25%. आपको क्या पूछा है? रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट से ये एक्सप्रेस कर रहा है. 1/4 पूछा है, मतलब कि टोटल में से चौथा हिस्सा. तो 100/4 क्या होता है? 25. सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो फिजिक्स पूरा ऑप्शन में छोड़ के जाओगे तो स्कोर 90+ नहीं जाएगा. आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री करना पड़ेगा. 50 में से एटलीस्ट 15-15 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. Yes, which Mendelism idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parents? F1 में अगर आपको दोनों parents दिखाई दे रहे हैं तो वो किसका example आएगा? Codominance का. Next, a pleiotropic gene is one which represents what? चलो जल्दी. प्लियोट्रॉपिक जीन क्या करता है? प्लियोट्रॉपिक जीन एक्सप्रेसेस कैरेक्टर्स, मोर देन वन कैरेक्टर, करेक्ट? हीमो, ये अपना सिकल सेल एनीमिया वाला एग्जांपल देखा था ना अपन ने, HbA, HbS, ये कैरियर है, HbA, HbA,
इट विल बी नॉर्मल इंडिविजुअल, HBS, इट विल बी सिकल सेल. तो देखो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आपको देखने मिल रहे हैं. दिस इंडिविजुअल विल बी कैरियर, दिस इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल एंड दिस इंडिविजुअल विल बी डिजीज्ड. तो एक ही मतलब दो अलील्स के वजह से तीन कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, एक दो तीन. सो दिस इज अ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फाइनल प्रूफ दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? रुचिता पोदार. बेटा मैंने नहीं किया था फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन मुझे 100% गारंटी थी कि मेरे 100 में से 100 क्वेश्चंस राइट जाएंगे बायो के. मैं 7-8 साल से बायो पढ़ा रही हूँ तो मुझे चीज़ें याद हो गई है. आपको अगर 100% गारंटी है कि आपके सब क्वेश्चंस राइट जाएंगे बायो के, तो आप मत करके आओ फिजिक्स केमिस्ट्री. आप खुद को मुझसे मत कंपेयर करो. अगर आपको अच्छे से जाएगा बायो तो आप सिर्फ बायो करके आओ, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मैम मैं सिर्फ बायो करके आई तो मेरा मार्क्स कम आया. इसीलिए मैं बोल रही हूँ अपने लिए बैकअप रख के चलो. आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, मैं पहली बार नहीं दे रही हूँ. सो द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डैश गेव द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज यूज किया था. कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया था, तो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. MSTCT 2014 का क्वेश्चन. MSTCET के लिए NCERT सफिशिएंट नहीं रहता है. MSTCET के लिए आपको कंपलसरी महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं. इन प्लांट सेल द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट विल बी जीरो व्हेन इट इज टर्जिड. देखो डिफ्यूजन प्रेशर मतलब क्या होता है, आपका प्लांट कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा. तो उसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब प्लांट पहले से पानी लेके बैठा है. अगर प्लांट ऑलरेडी पूरा पानी एब्जॉर्ब करके बैठा है वो टर्जिड कंडीशन में, टर्जिड मतलब सोलन कंडीशन में, तो उसके पास और पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है. तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, DPD की जीरो मिलेगी. चलो नेक्स्ट. क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA हैज डैश. क्लोवर लीफ मॉडल क्या आएगा tRNA का, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऐसा अपन ने tRNA का स्ट्रक्चर देखा है ना, तो इसमें डी आर्म भी है, एक्सेप्टर आर्म भी है, ये एक्सेप्टर आर्म है, सी आर्म भी है इसके पास, इसके पास एंटीकोडोन वाला आर्म भी है, सब आर्म है इसके पास. यस, चलो नेक्स्ट. ड्यूरिंग प्रोटीन डीनेचुरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसरप्टेड. चलो मैं बीच बीच में नहीं बोलूंगी, बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है. CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं सब सॉल्व करना होता है. ड्यूरिंग प्रोटीन डीनेचुरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसरप्टेड. प्रोटीन्स को अगर ब्रेक डाउन करना है तो पहले उसका 3D स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद उसका 2D, फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड सीक्वेंस. नेक्स्ट, जॉइंट डायस्टोल का टाइमिंग कितना होता है. यस, बताओ. बताओ बताओ कितना आता है. ये देखो, ये आपका एट्रियल सिस्टोल है, ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये आपका जॉइंट डायस्टोल है. तो जॉइंट डायस्टोल का टाइमिंग कितना होता है, 0.4 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं और 15 मिनट लगेगा लेक्चर खत्म होने को.
यस तो फ्लोएम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम इट इज बाई डायरेक्शनल शुगर यानी कि फूड फूड दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिटोनोगैमी म्हणजे काय ये कल ही मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाया है जिटोनोगैमी मतलब क्या होता है What is gametogamy? Neighbor marriage shows the plants are genetically similar. Next, dash type of pollination is considered as the most primitive type of pollination. Primitive मतलब क्या होता है? Basic या majority. सबसे ज़्यादा कौन से type का pollination देखने को मिलता है? अरे कंजूस लोग like button पे click कर दो. एक number के कंजूस हो तुम लोग. क्या आएगा एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपका ब्लड वेसल पतला कब हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यस यस तो ब्लड वेसल्स पतले कब हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ पर नहीं होता यस क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ पर देखने को नहीं मिलता क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं इसके ग्राउंड के नीचे ही वायोला और पोमेलिना प्लांट में ग्राउंड के नीचे ही बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर फर्टिलाइजेशन हो जाता है नेक्स्ट अगर आपका पोलन ट्यूब चलाजा से एंटर करेगा इधर से तो ऐसे टाइप के इसको एंट्री को क्या बोलते हैं पोलन ट्यूब चलाजा से आ रहा है क्या बोलेंगे उसको चलाजोगैमी नेक्स्ट गटेशन कहाँ होता है वेयर डज गटेशन अकर्स गटेशन अकर्स थ्रू हाइडाथोट्स वेरी गुड नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है अगर एंडोस्पर्म के पास 24 क्रोमोसोम्स हैं तो एन की वैल्यू क्या आएगी 8 तो मदर का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा मेगास्पोर मदर सेल यानी कि डिप्लॉयड 2 × n n की वैल्यू क्या थी 8 तो आंसर क्या आएगा यस 16 चलो नेक्स्ट मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कल सुबह 7:30 बजे मेरा लाइव सेशन होगा ठीक है जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो कल सुबह एग्जाम देने से पहले लाइव सेशन अटेंड करते हुए जाना ठीक है इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस चलो नेक्स्ट एल्वियोलाय के पास कौन से सेल की लाइनिंग होती है
कौन से सेल है ये? यस क्या है इसका आंसर? ये कौन से सेल्स हैं? एपिथीलियम, फ्लैट लेयर ऑफ एपिथीलियम. नेक्स्ट ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, कौन से सेल पे एक्ट करता है? ICSH. कल हो गया ना 11th के सिलेबस का क्वेश्चन हो गया. कल हमने 11th के ही चैप्टर के एमसीक्यूज किए, चार चैप्टर्स के. ICSH, इंटरस्टिशियल सेल. इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल्स. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डैश. चलो फटाफट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? प्राइमरी बोला ना, मतलब अभी तक इसमें मियोसिस नहीं हुआ है, तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? डिप्लॉइड. नेक्स्ट MSTCET 2015, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैं हर बार पूछती हूँ. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. क्या आएगा इसका आंसर? लेम्यूर प्रोसिमी. ये देखो, चलो नेक्स्ट पीस का देखते कौन देता है. आई विल कीप क्वाइट. क्या आएगा इसका आंसर? यस द आंसर विल बी टेमिनिफेरस टिब्यूल, रेटेट टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडर्माइस. चलो नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियो, बिच्छू किधर से रेस्पिरेशन करता है? यस Come on, quick. The answer is book lungs. Next question. ये भी मैंने करवाया है. Come on, आपके पास 190 grains of जवार है, उसमें से 140 tall है और 50 dwarf है, तो ये हो गया 2:1 या 3:1. तो आंसर क्या आएगा इसका? द जीनोटाइप ऑफ दीज ऑफ स्प्रिंग्स मे बी 3:1. 3:1 यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या देखने को मिलता है? 25% डोमिनेंट, फिर हाइब्रिड और फिर रिसेसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक. बेटा मुझे पेपर तो दे के आने दो, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस और क्वेश्चन दोनों शेयर करूंगी. पहले पेपर तो होने दो, स्पैम करना बंद करो. यस क्या आएगा इसका आंसर? राइट नेक्स्ट आएगा. अ प्लांट इज हेटरोजाइगस फॉर टॉलनेस, द पॉसिबिलिटी ऑफ टी गैमेट फर्टिलाइजिंग टी और टी इज डैश.
तो आपका जो टी और टी एस में से स्मॉल टी या तो कैपिटल टी के पास जाएगा या तो सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा, 50% पॉसिबिलिटी है। चलो नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स को हम कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? ऐसे अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स हमने देखे थे, तो क्रोमोसोम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर की बेसिस पे। चलो नेक्स्ट, क्या आएगा इसका आंसर? पी वेव रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। चलो नेक्स्ट, कम ऑन, राहन्स वाला टेक्निक, ट्रायोपिथेकस, रमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल्स, होमो सेपियन। क्या आएगा आंसर? यस, रमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करता है? आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन सम एयर इज लेफ्ट, जोर से सांस लेके फिर जब हम सब सांस को छोड़ देते हैं तो अंदर जो हवा बचती है उस हवा को क्या बोलते हैं? लास्ट डे है, क्या करें, सो जाओ। आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन जब कुछ हवा भर जाती है तो उस हवा को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 8 का, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरी सर्दी सर्दी कब जाएगी कि शादी कब होगी, क्या पूछना क्या चाहते हो? गिबरलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फुरोसावा एंड देन क्रिस्टलाइन फॉर्म इसका बनाया यबुटा एंड सुमिकी ने। कौन सा ब्लड वेसल ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट को? थोड़े से क्वेश्चंस बचे, होने आया सेशन खत्म। पेपर इजी होता है एकदम चिल रहने का। यस, क्या आएगा इसका आंसर? आयोरटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट बताओ किसके पास कितना क्रोमोसोम्स होता है, कम ऑन क्विक। यस, ह्यूमंस के पास 46 होते हैं, इकोलाई के पास 1 होता है, करेक्ट। चलो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के पास कौन सा जीनोम होता है, कम ऑन क्विक क्विक।
जब मेरे दहेज का पैसा तुम लोग जमा कर लोगे तब मेरी शादी हो जाएगी, इतनी मेरी शादी की चिंता हो रही है तुमको। दहेज इलीगल है फिर भी आई डोंट माइंड इफ यू पीपल डू दैट अरेंजमेंट, मेरे डेस्टिनेशन वेडिंग का पैसा खर्चा उठा लो, हो जाएगी रे शादी हो जाएगी, क्या है उसमें तुम लोग है ना। द बैक्टेरियल जीनोम कंटेन्स व्हाट? डीएनए विदाउट हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड वेयर? ये अपना सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से आपका एमआरएनए बना। ये मॉन्स्टर जैसा लग रहा है, धकधक हो रेला है, धकधक हो रेला है, पानी पियो। ऐसा कैसा धकधक हो रेला है भाई। एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी नोड किधर प्रेजेंट होता है? इधर पे एसए नोड है, इधर पे एवी नोड है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एवी नोड किधर प्रेजेंट होता है? अभी ना फटका खाओगे, चार बार बोल दिया मैंने कि आपके बढ़ते हुए शिफ्ट के साथ पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, आप चिल करके जाओ। चलो क्या आएगा आंसर? राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन पूछो। चैप्टर टू के एमसीक्यू हुए ना बाबा, ब्लास्टुला का क्वेश्चन हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस का हुआ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का हुआ, देखते नहीं हो क्या चैप्टर टू का क्वेश्चंस? मारूंगी ऐसा एक, लेट उठ के आए और बोलते हो चैप्टर टू के क्वेश्चंस नहीं हुए। ये देखो ऐसे ऐसे एक एक फैन आ जाते ना, मैम के ऊपर ही लाइन मारने लग जाते हैं, बेशर्मो। डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय सम वायरल आरएनए एंड दैट आरएनए दैट एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट, कोडिंग डिक्शनरी में कौन सा ये एब्सेंट होता है? नाइट्रोजन बेस। हो झालं, सकाळी सकाळी कोण जेवतो रे बाळा, तुम्ही तर उठले पण नसाल, अजून झोपेतच असणार आणि मला विचारताय जेवण झालं का? काय बाबा, गाव में भी इतना जल्दी खाना नहीं खाते। 200K कब होएगा? तुम लोग तो चैनल को शेयर करते नहीं हो, वीडियो को लाइक करते नहीं हो, तो 200K कैसे होएगा जल्दी? जरा भी मैम के ऊपर दया नहीं आती कि मैम इतना मेहनत करते हैं, चलो मैम के लिए थोड़ा सा अपन शेयर कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। नहीं, सब सेल्फिश बच्चे मेरे। देखो 500 बच्चे लाइव लेक्चर देख रहे हो, 300 लाइक है, 200 बच्चे तो ऐसे ही फोकट में लड्डू पेड़ा खाने आए हैं, क्या ही बोलूँ अभी मैं। चलो बताओ फटाफट। वाटर जब केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं कंबाइंड वाटर। नेक्स्ट आया, देखो चैप्टर वन का क्वेश्चन आया, यस, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो अल्टीमेटली बिकम्स व्हाट? इट लुक्स लाइक हॉर्सशू शेप। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ इंडोलैसिटिक एसिड? कम ऑन क्विक, अभी मैं सिर्फ 20 सेकेंड्स दूंगी, मेरे को कंटाला आ रहा है, जल्दी करो। कोई बोल रहा है स्मार्ट लग रहे हो, कोई बोल रहा है मोंजोली का लग रहे हो, और कुछ? चलो वेरी गुड वेरी गुड, लेक्चर चालू होने के पहले लाइक कर दिया, तुम लोग ही मेरे लॉयल बच्चे हो। इंडोलैसिटिक एसिड किससे बनता है? ट्रिप्टोफैन के प्रिकर्सर से। नेक्स्ट, ब्लड का पीएच का है? का है बबुआ, व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड? बहुत गर्मी है खून में तो खून का ब्लड का पीएच बताओ। व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड? सेवन
चलो जल्दी जल्दी, भूख लग गई मेरे को सुबह सुबह। क्या आएगा? ऑक्सिन का हायर कॉन्सेंट्रेशन शूट प्रमोट करता है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन रूट की ग्रोथ प्रमोट करता है। नेक्स्ट MSTCT 2014 का क्वेश्चन। सेनेसेंस यानी बुढ़ापा, प्लांट्स में बुढ़ापा कब आता है? उनकी डेथ के टाइम पे। चलो नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ ओव्यूल हैविंग फ्यूनिकुलस लाइंग क्लोज टू द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज व्हाट? अ टाइप ऑफ ओव्यूल हैविंग फ्यूनिकुलस लाइंग क्लोज टू द माइक्रोपाइल। ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकुलस है, ये माइक्रोपाइल है। तो ऐसा टाइप के ओव्यूल को क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस। नेक्स्ट, गिबरलिन क्या है? शुगर है, स्टीरोल है, विटामिन एसिड है, क्या है? कम ऑन क्विक। जल्दी जल्दी जल्दी, 5 more seconds, कम ऑन। क्या आएगा आंसर? गिबरलिन इज एसिडिक। नेक्स्ट, एवेना कर्वेचर टेस्ट किसने किया था? डोरीमोन लग रही हो, मेरे पास जादुई जेब नहीं है, मैं तुमको कल का पेपर निकाल के दे दूं। ला 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 ला। एवेना कर्वेचर टेस्ट किसने किया था? FW बेंड ने। नेक्स्ट, रूट हेयर इज फॉर्म्ड बाय विच कंपोनेंट्स? यस, जिंदगी सवार तू एक नई बहार, दुनिया ही बदल दे प्यार का। नेक्स्ट आई गो पॉलिनेशन, ठीक है अभी आंसर दिख गया। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, MSTCT 2019। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्लांट हार्मोन एपिकल डोमिनेंस, कौन दिखाता है? ऑक्सिन। नेक्स्ट, इन प्लांट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन विच रीजन? क्या आएगा इसका आंसर? रूट हेयर। नेक्स्ट, न्यूसिलस कंसिस्ट ऑफ विच टाइप्स ऑफ सेल? कम ऑन क्विक। चलो जल्दी, लास्ट 5 minutes। न्यूसिलस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड एज टूल मेकर? क्या आएगा इसका आंसर? हैंडीमैन को हम टूल मेकर बोलते थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट? चलो देखती हूँ किसको किसको कितना आता है, बहुत बोलते हो ना, क्वेश्चन रिपीट है रिपीट है, फटाक से आंसर दो। माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट, मैग्नीशियम इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट, स्पूग एंड मिलर ने सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन कौन से प्लांट में बनाया था?
क्या आएगा इसका आंसर? निकोटियाना टोबैकम. नेक्स्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है? ये बहुत मजा आता है सॉल्व करने. टी सी जी ए ए जी सी टी. क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट, ये पढ़ो थोड़ा, ये रिपीटेड नहीं है. यस, तो क्या आएगा? जब आपका रूट का मैक्सिमम पार्ट ग्राउंड के नीचे रहता है, सिर्फ एपिकोटाइल वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, तो ऐसे सीट को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोजियल. नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन बाकी है बाबा? मैं कुछ कंटाल गई. चलो जल्दी करो, कल के एग्जाम में तो सोने ही वाली हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकोट वीडी साइड? 2,4-D एजेंट ऑरेंज के जैसा यूज करते हैं हम इसको. व्हाट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म? ये आपका एग है या आपका स्पर्म है? तो स्पर्म को अगर एग के अंदर एंट्री लेनी है तो ये कैसे पेनिट्रेट करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्पर्म लाइसिन, यानी कि एंजाइम्स की मदद से. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन किधर होता है? देखो सब सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन है. कहाँ होता है? एम्प्यूला में, बराबर इधर पे. चलो नेक्स्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट? क्या आएगा? डीलेइंग द ऑनसेट ऑफ सेनेसेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है. अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ए. एक आदमी है ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके पास आई बी बी होगा या आई बी आई होगा? विद ब्लड ग्रुप ए, वुमन है, उसका ब्लड ग्रुप है आई ए ए या आई ए आई, और इनका फर्स्ट चाइल्ड है, उसका ब्लड ग्रुप बी है. सो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द चाइल्ड? अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है. तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो आई बी बी होना चाहिए या तो आई बी आई होना चाहिए. लेकिन अगर ये ब्लड ग्रुप है तो मदर का ब्लड ग्रुप के पास भी बी होना चाहिए था, पर मदर के पास बी नहीं है. तो इसका मतलब एक जीन फादर से आया है और एक जीन मदर से आया है. तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा? आई बी आई. ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, चलो नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स. डन डन, वी आर डन विद द सेशन. तो आई होप आपको सेशन में थोड़ा सा रिविजन मिला होगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा. मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आज का जो सेशन हमने किया है इसमें से 5 से 10 MCQ फिक्स आएंगे ही आएंगे. ये वाला जो लिस्ट है ना, ये वाला जो वीडियो है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के ईयर्स और उनकी डिस्कवरी दी है. आप कुछ भी करो या मत करो, आप ये लिस्ट डाउनलोड करो टेलीग्राम ग्रुप से, और ये लिस्ट के सारे साइंटिस्ट के नाम और उनके डिस्कवरी 100% पढ़ के जाओ. मैं गारंटी देती हूँ इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ओके, और रिवीजन के लिए आप ये वीडियो का पार्ट वन पार्ट टू दोनों देख सकते हो. फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हो, फिजिक्स के भी फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, आप फॉलो करो. और लाइव बफरिंग चैनल पे इस महीने में बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. आई होप आज का सेशन अटेंड करके मज़ा आया होगा. कल सुबह मैं 7:30 बजे लाइव आने वाली हूँ.
ठीक है, कल सुबह हम 7:30 बजे लाइव आएंगे और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सेशन को अटेंड करना और अच्छे से पेपर देना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।